नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पितृ अमावस्या है, श्राद्ध अमावस्या है, शनि अमावस्या है। ये तीनों चीज के जो हमने नाम लिया, इसका इम्पोर्टेंट इसलिए हम बता रहे हैं कि क्या आप जीवन में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आप समस्या को खत्म करना चाहते हैं, आर्थिक उन्नति चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, तो हमारे द्वारा जो बताए गए ये उपाय है, अगर आप ये करते हैं विधिवत श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से, तो पूरा फल आपको मिलने की संभावना बन जाती है। सबसे पहली बात, पितृ जो होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, इस मृतलोक में वो चले जाते हैं, इस धरती पर वह रह नहीं पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में वह क्या हो जाता है कि हमारे पूर्वज पितृ बन जाते हैं। पितृ देवता के रूप में माना जाता है। भारतीय संस्कृति वेदों में यह वर्णित है, गरुड़ पुराणों में वर्णित है कि अगर अच्छे कर्म आपने किए होंगे और अच्छे कर्म के बाद आपकी मृत्यु होती है तो आप देवतुल्य हो जाते हैं। देखिए, आत्मा भी दो प्रकार की हो जाती है, एक अच्छी आत्मा, एक बुरी आत्मा। जब तक फिर से योनि का उनको नहीं मिलता है तब तक वह आत्मा भटकते रहती है, वो पितृ रूप में रहती है और मुझे आशीर्वाद देती है। यह श्राद्ध पक्ष में जो होता है पूरा इनके लिए द्वार खुल जाता है, वह मेरे साथ रहते हैं, मृत लोक पे आ जाते हैं और मेरे क्रियाकलाप को देखते हैं, तो उससे वो खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और दुखी भी होते हैं जब अच्छे कर्म हमारे नहीं होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पितृ पक्ष के लास्ट दिन अर्थात अमावस्या के दिन, आज श्राद्ध खत्म हो रहा है, श्राद्ध पक्ष खत्म हो रहा है, तो कुछ ऐसा क्या करें जीवन में जो हमको तरक्की मिले। देखिए, आप सबसे पहली बात समझें कि इस चीज़ को कि पितृ की सेवा मरने के बाद भी करके उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो ये कलयुग गुजर रहा है, कलयुग में जीवित में माता पिता का बहुत कम लोग भाग्यशाली होते हैं, वह सेवा कर पाते हैं, वह मित्र होने के जो मृत्यु होने के बाद ही उनको सेवा करके प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अब उस डिटेल में नहीं जाते, हम हैं कि क्या करें। आपको पितृ तर्पण, जल तर्पण करना चाहिए, ये लास्ट दिन है, अगर नहीं किया है किसी दिन तो जल तर्पण जरूर नहा धो करके आप करें, पितृ को जल दें। जल तर्पण करने की विधि गूगल में दिया हुआ है, क्योंकि इस वीडियो में हम उतना कम समय में बता नहीं पाएंगे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब है कि श्राद्ध का जब विदा करने लगते हैं तो उनके लिए भोज भंडारा रखते हैं, पहले पंडित को बुला करके पितृदान, पिंडदान इत्यादि करके उनका हवन इत्यादि करवाते हैं, फिर ब्राह्मणों का भोजन करवाते हैं, अपने मित्र लोगों का भोजन करवाते हैं, सगा संबंधियों को भोजन करवाते हैं, गरीब लोगों को भोजन करवाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार और असहाय लोगों को भोजन करवाते हैं, तो इस तरह से पितृ प्रसन्न होते हैं। अब ये जरूर कभी भी नहीं बताया गया है और मैं विशेष रूप से बताता हूँ कि कर्ज लेकर के किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे पितृ को प्रसन्न करने में आप पैमाल हो जाएं, आप बर्बाद हो जाएं। जितनी श्रद्धा है, सामर्थ्यता है, शक्ति है, उतना ही कार्य करें। तो एक तो ये चीज़ हो गया, तो क्या हो गया, आपको जल तर्पण करना है, पिंडदान करना है, आपको श्राद्ध भोज करवाना है, ये आप अनिवार्य रूप से करें। अब विशेष रूप से आपके द्वारा जो करने के बाद होता है उसमें पितृ भी खुश होते हैं, आपके कर्म भी अच्छे होते हैं और आने वाला जो आपका समय है वह भी अच्छा होता है और आप भी पितृ जब बनेंगे तो अच्छे योनि में जाएंगे। ये कर्म फल को सुधारने की कोशिश करें, जैसे दान करना अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, अन्नदान सबसे प्रमुख बताया गया है,
दूसरा जो है वस्त्र दान बताया गया है, और तीसरा जो है गौदान इत्यादि भी इस समय कर सकते हैं, पितृ प्रसन्न होंगे। अब विशेष रूप से और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे वीडियो अंत तक बहुत ही जानकारी लायक होगा, आपके लायक होगा और आपको मदद करेगा जीवन को उन्नति की ओर ले जाने में। अब हम जब पितृ कर दिए, श्राद्ध कर दिए, तो फिर और क्या करें, आप जरूर किसी भी पितृ स्थल पर जा कर के कहीं भी या तो पीपल में जा कर के जल को दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सहयोग करेगा। अब विशेष मंत्र बता रहे हैं आपको, विशेष कर्म फल बता रहे हैं। आप एक पीपल के वृक्ष का या बर के वृक्ष का जो है रोपें और उसका देखभाल करें अपने पितृ के नाम पर, किसी भी अच्छे जगह पर जहां यात्री आते जाते हों और वहां बैठ करके वो आराम कर सकें, पक्षी वहां बैठ सके, घोंसला बना सके, छाया प्राप्त कर सके। तो जितना ये कार्य करेंगे तो आपका अगला कर्म भी सही होगा, आपका कर्म फल भी अच्छा होगा और आपको फिर शनि देव की विशेष कृपा मिलेगी, राहु देव की विशेष कृपा मिलेगी, केतु देव की विशेष कृपा मिलेगी और आप उन्नति के द्वार की ओर जाएंगे। तो इस तरह से पितृ को विदा करके, पितृ को प्रसन्न करके अपने जीवन में बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी शनि मंदिर में जा कर के शनि का पूजन करना, काले तेल उरद ये सब का दान करना, तेल इत्यादि का दान करना, लोहे इत्यादि का दान करना, चढ़ाना, और इससे भी शनि देव प्रसन्न होते हैं और आपको जो है बहुत लाभ मिलता है। अब देखिए, पितृ के आप मनुष्य को तो खिला दिए, अब पितृ कई रूप में होते हैं, कौवे के रूप में होते हैं, कुत्ते के रूप में होते हैं, जीव जंतु ये सब का भी सेवा करना है, कौवे पक्षी का सेवा करना है, कुत्ते का सेवा करना है, गौ की सेवा करना है, चींटी की सेवा करना है, और उसके बाद जो है पिंड दान जो आप करते हैं और वो जल में तर्पण करते हैं पिंड को, तो मछली इत्यादि भी उसको खा करके, इसमें आप पितृ, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपका कर्म सुधरता है। तो इस प्रकार पितृ को कैसे विदा करते हैं और पितृ कैसे प्रसन्न होते हैं ये बताया। वास्तु की दृष्टि देखें, पितृ का संबंध डायरेक्ट नैऋत्य कोण से होता है और नैऋत्य कोण में आप इस दिन धूप दीप इत्यादि जलाएं, सफाई करें, उसका पूरा जो है सो रंग रोगन आप भी कर सकते हैं, नहीं तो धोकर पानी से और साफ सुथरा करें, वहाँ पितृ का एक फोटो टांगें, आपको इसका बहुत अधिक लाभ जीवन भर मिलते रहेगा और आपके पितृ आपके साथ रहेंगे, आपको आशीर्वाद देते रहेंगे, आपके जीवन की तरक्की का वो जो है शुभकामना करते रहेंगे। तो इस प्रकार आप पितृ के बारे में, पितृ अमावस्या के बारे में, पितृ के विदाई के बारे में और ये सारे कर्म अच्छे करके किस तरह हम लाभ प्राप्त करते हैं जीवन में। अब इससे मिलेगा क्या आपको, आपके आपके जो जीवन है वह तरक्की की ओर जाएगा, कामयाबी की ओर जाएगा, निर्विघ्न रहेगा, समस्या नहीं रहेगी, रोग व्याध नहीं होगा, घर में संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान आपके आज्ञाकारी होंगे, घर में स्त्रियां जो है वह हर हमेशा जो है सो स्वस्थ रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे और आपका समाज में वर्चस्व बनेगा। इसी वर्चस्व को बनाने के लिए श्राद्ध भोज इत्यादि किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है और सारा चीज़ किया जाता है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।